हाय एंड वेलकम बैक टू द थर्ड पार्ट ऑफ क्लब महिंद्रा वारका बीच को। तो जहाँ से हमने फिनिश किया था, अब हम पूरी प्रॉपर्टी घूम चुके हैं और हम प्रॉपर्टी से ही अटैच्ड अपने उस एरिया में जा रहे हैं जो कि डायरेक्ट हमें सी बीच अपने प्राइवेट बीच पर लेकर जाता है। यहाँ तक रिजॉर्ट की कंप्लीट अपनी प्रॉपर्टी है विच इज़ गार्डन। यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, यहाँ पर स्लीपर्स रखिए, शावर लेना चाहते हैं आप शावर लीजिए, रूम नंबर एंट्री कराइए, आपको टॉवल भी मिल जाएगा जो कि अलग से सिर्फ बीच के लिए। तो यहाँ पे हमने शूज़ वगैरह खोल दिया, पहन के जा सकते थे पर चूँकि महिंद्रा की अपनी गार्ड्स और अपनी प्राइवेट है शायद तो सेफ्टी है तो वहीं पे छोड़ दिया। अनवेक की रफ्तार और इसकी खुशी भागा जा। चलो अभी बीच पे पहले चलो एकदम बीच पे तब खोलेंगे, चलो रन। And here it is, the beach. ये देख सकते हैं, ये है वारका बीच गोवा। तो ये देखिए 360 डिग्री व्यू ऑफ द बीच। ये हमारे पीछे में रिजॉर्ट, पीछे में चन्ना मामा और इधर से घूमते वापस देखिए पूरा बीच। ये बैग गया मानविक का, सब बैग गया, रोको रोको सब बैग गया। और यहाँ पर ये लोग बीच में ले जाके डॉल्फिन शो कराते हैं, विच वॉज अ गुड वन। हमने ढेर सारे डॉल्फिन देखे और उसका वीडियो देखने के लिए ऊपर दिए हुए आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हैं। बहुत ही साफ सुथरी बीच, ये पीछे जस्ट अपना रिजॉर्ट दिख रहा है और बहुत। तो हेयर इट इज लेंटो। हम लोग यहाँ से अब लौट रहे हैं अपने बीच से, तो ये रास्ता होके लौटना पड़ता है, काफी लेट हो चुका है पर फिर भी यहाँ। ये देखिए रात का बीच का नज़ारा। और ये जो भी है यहाँ पे प्राइवेट पार्टीज और कैंडल लाइट डिनर वगैरह कराते हैं, ये यहाँ के लोकल यूनियन का है, इसमें ये महिंद्रा के प्रॉपर्टी नहीं है। और ये देखिए ये वापस हम लौट रहे, लाइव म्यूजिक चल रही है और ये देखिए हम लोग का जहाँ पे लाइव म्यूजिक और जहाँ पे ओपन एयर ईटिंग का है, वहाँ से अब जाके कनेक्ट होते हुए मतलब बीच साइड से हम वापस अपने रिजॉर्ट के अंदर एंटर कर रहे हैं। और ये जो जवाहर वगैरह जो दिखाया था आपको, जस्ट उसके बाद से इनका ओपन ग्राउंड है। ये देखिए जस्ट यहीं से बीच से हम एंटर करते हैं, लेफ्ट साइड में बहुत बड़ा ओपन ग्राउंड है जहाँ पे कि ओपन प्रोग्राम से कुछ फंक्शंस भी होते हैं। यहीं पे इनका गेम जोन एरिया भी है जिसमें कि जो भी आपको करना है वहाँ पे किड्स के लिए और बड़ों के लिए बैटिंग वगैरह क्रिकेट का और भी सारे स्पोर्ट्स का यहाँ पे अरेंजमेंट है। ये देखिए महानविक पे इसी बीच में ये बच्चों वाला माउंटेन क्लाइंबिंग है जो कि कर रहा है जो रात को था, और बड़ा माउंटेन क्लाइंबिंग वगैरह भी है, रॉक क्लाइंबिंग जिसमें कि जो चार्जेबल है वो सारे एक्टिविटीज़ भी आप कर सकते हैं और टैम्पोलिन वगैरह भी है। यहाँ पे जस्ट ग्राउंड में स्टार गेजिंग का इवेंट है जो कि आप पेड है ले सकते हैं। यहाँ पे आपको प्लैनेट्स और सोलर सिस्टम के बारे में पूरी समझाई जाती है, उनको अच्छा नॉलेज है और वो दिखाते भी हैं उसे। मैंने कुछ जूम इमेजेस लेने की कोशिश की है अपने फोन से मून की, जो उस दिन का व्यू था, इसलिए थोड़ा सा पोर्ट्रेट मोड में है, लैंडस्केप मोड में नहीं हो पाया है। देखो तो बेटा आपके लिए मोबाइल पे मैं सेट कर दे रहा हूँ, बड़ी मच्छर का कंट्रास्ट चेंज कर रहा हूँ। यस देखो फुल मून दिख रहा है, देखो कैमरा में देखो, देखो 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 दिख रहा है। तो आप यहाँ देखिए ग्राउंड और की सब गेम जोन एरिया से आके हम इधर आ चुके हैं जहाँ पे इनका जवाहर और इनकी ऑफिस जो है पीछे में, वहाँ पे एक छोटा सा इन लोगों ने पूल साइड एक आइलैंड बार भी बना रखा है जो कि रात को 10-10 बजे तक ऑपरेशनल होता है। और यहाँ पे देखिए इनके ऑफिस और यहाँ पे जस्ट पूल आ गया और अभी पहले हम पूल में मस्ती करेंगे और उसके बाद फिर हम लोग आज
ये देखिए बच्चे भी बहुत मस्ती कर रहे हैं। ये ट्यूब हमने सामने जो जवाहर के बगल में ऑफिस, उसके बगल में एक यूटिलिटी शॉप टाइप उनका सेंटर है जहाँ पे ये सारे ट्यूब्स और जो चीज के आप जिस साइज़ की चाहेंगे सब चीज़ मिल जाता है, वहाँ से हमने लिया। और देखिए बहुत ही मस्ती सभी बच्चे। और ये देखिए रात को बच्चे, होली का दिन है चूँकि डीजे यहाँ पर लगा हुआ था और लाइट्स लगे थे, बच्चों ने खूब मस्ती करा है। और ये नाइट व्यू है अपना मेन रिसेप्शन का, होटल सेक्शन का। ये अब रेस्टो है। ओवरऑल इट्स अ वेरी वेरी गुड रिजॉर्ट, ओवरऑल वेल मेंटेन्ड। सर्विस इनकी रेस्टो बहुत ही ख़राब है, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस भी नहीं है लेकिन बहुत ही ख़राब ख़राब सर्विस है। मैं ये दो बार जा चुका हूँ, सर्विस इज पैथेटिक। उस पर क्लब महिंद्रा कुछ करना चाहिए। और ये देखिए, ये जस्ट जो हम रिजॉर्ट से एंटर करते हैं अपने ग्राउंड जोन में, वहाँ पे कुछ स्टैचूज बने हैं बहुत ही अच्छे जहाँ पे हम फोटो सेशन करते हैं।